गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी सपरिवार कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आपको प्रतिदिन एक असाइनमेंट दिया जा रहा है और उस असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद आप में से अधिकांश बच्चे उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे चेक कराते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के जो असाइनमेंट हैं वो मुझ तक नहीं पहुंचे हैं। निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें आपको 7 मई तक जो असाइनमेंट दिए गए हैं या देने के लिए कहा गया है और उनको आपने 9 मई तक तैयार करके उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अथवा जिस टीचर का वो सब्जेक्ट है उस टीचर को आपने उपलब्ध करानी है। फिर यह कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आपके नाम के साथ में उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रेषित की जाएगी। इसकी हार्ड कॉपी जब लॉकडाउन खुलेगा, जब कॉलेज खुलेगा, उस समय हम आपसे इस की हार्ड कॉपी को कलेक्ट करेंगे। अभी केवल और केवल सभी विषयों के, सभी प्राध्यापकों के, जिनके असाइनमेंट आपको दिए गए हैं वो केवल आपने ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं या उनकी फोटो खींच करके आपने उनको दिखानी है और फिर इसको सुरक्षित रखना है। जब आपका कॉलेज खुलेगा, लॉकडाउन पीरियड समाप्त होगा, तो उस समय फिर ये आप उस टीचर कंसर्न को जिन्होंने ये असाइनमेंट दिया था उनको उपलब्ध कराएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि इसको आप गंभीरता के साथ लें। इसका संबंध आपके आगे आने वाली आंतरिक परीक्षाओं से हो सकता है। अभी क्या नीति निर्धारित होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी इसका संबंध आपके आंतरिक परीक्षाओं का, जब हम इवेल्युएशन करेंगे, जब हम मूल्यांकन करेंगे आपका, तो उस समय इसका वेटेज आपको दिया जा सकता है। कल हम आपको बता रहे थे इंडेक्स नंबर के बारे में और इंडेक्स नंबर से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे और एक क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट के रूप में आपको हमने दिया था। आज मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षक के दृष्टिकोण से भी और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन मैंने यहां नोट डाउन कर दिया आपके लिए पहले से ही ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रिपेयर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द थ्री इयर्स। दो तरह से इसको करना है, टेकिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर एज ए बेस, फर्स्ट ईयर के प्राइस को एज बेस मानना है। दूसरा टेकिंग एवरेज प्राइस एज ए बेस, एवरेज प्राइस जो है उनको हमने बेस लेना है। ईयर दे रखे हैं 1, 2, 3, व्हीट, कॉटन, ऑयल, ये थ्री कॉमोडिटीज हैं। रेट इनके दे रखे हैं 100, 99, 99, 25, 20, 15, 30, 25, 20। द अबव प्राइसेस आर इन रुपीज पर क्विंटल। ये जो प्राइस दिए हुए हैं ये रुपीज में है और ये पर क्विंटल के हिसाब से है, यानी पर 100 केजी, 100 किलोग्राम का जो है ये रेट दिया हुआ है। और आपको प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहला क्या कहा गया, सबसे पहले आपको कहा गया फर्स्ट जो कहा गया टेकिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर एज ए बेस, फर्स्ट ईयर को जो है बेस लेना है। तो देखते हैं कि किस तरह से इसको किया जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप अच्छे तरह से इसको देख लीजिए, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। ओके, सबसे पहले कॉमोडिटीज हमारे को दी हुई थी, कॉमोडिटीज कितनी दी हुई थी, कॉमोडिटी थी थ्री कॉमोडिटीज थी, और ये कॉमोडिटीज थी व्हीट, व्हीट सेकेंड था कॉटन, एंड थर्ड था ऑयल। ये कॉमोडिटी हमारे को दी हुई थी, तीन तरह की कॉमोडिटी थी, और ये एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम जो है ये आपके थ्री हो गए। ईयर फर्स्ट ईयर में यदि हम देखें जो प्राइस दिया हुआ था व्हीट का, वो अगर आप ध्यान से देखें तो व्हीट का प्राइस जो था वो 100 था, कॉटन का जो प्राइस था वो 25 था, और ऑयल का जो प्राइस था वो कितना था 30 था। पहला आपको कहा गया था कि टेकिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर एज ए बेस, तो हम यहां प्राइस रिलेटिव निकाल देते हैं, रिलेटिव निकाल देते हैं, और फर्स्ट ईयर एज ए बेस, फर्स्ट ईयर को बेस मान लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट ईयर को बेस मानेंगे तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, वही करंट ईयर होता है वही बेस होता है, वही, क्योंकि जिसको हम बेस मान रहे हैं वही करंट भी है वही बेस भी है, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 100 इंटू 100। तो इस तरह से कैलकुलेट करके इसका 100 आ जाएगा, इसका 25 अपॉन 25 इंटू 100, तो इसका कैलकुलेट करके 100 आ जाएगा, इसका भी कैलकुलेट करके 100 आ जाएगा, और 30 अपॉन 30 इंटू 100, तो इसको भी कैलकुलेट करके 100 आ जाएगा। क्योंकि बेस ईयर का जो प्राइस होगा, जो प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, वो रिलेटिव जो है वो कितना आ जाएगा 100, क्यों, क्योंकि वही करंट है और वही बेस है। आगे चलते हैं और हम अब सेकंड ईयर के लिए जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। सेकंड ईयर में जब हम लेकर के चलेंगे तो इस सेकंड ईयर के प्राइस ले लेते हैं। सेकंड ईयर का व्हीट का प्राइस है 99, फिर कॉटन का प्राइस है 20, और ऑयल का जो प्राइस है
वो है 25। अब हम यहां इसके प्राइस रिलेटिव निकाल लेंगे, उसी तरह से प्राइस रिलेटिव आएगा, लेकिन बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा फर्स्ट ईयर के जो प्राइस है वो। जैसे ये हम कैलकुलेट करेंगे 99 करंट हो गया, बेस ईयर हो गया 100 इंटू 100, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 99। फिर ये आ जाएगा 20 करंट ईयर है अपॉन 25 इंटू 100, ये आ जाएगा 80। फिर ये आ जाएगा 25 अपॉन 30 इंटू 100, तो ये जो कैलकुलेट करके आएगा, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 83.33। ये सेकंड ईयर का रिलेटिव निकाल दिया। फिर थर्ड ईयर के प्राइस लिख लेते हैं। थर्ड ईयर के जो प्राइस हैं वो है 99 थे वीट के, इसके थे मेरे ख्याल से 15, क्वेश्चन में आप देखेंगे, और इसके थे 20। वो अब इसके भी रिलेटिव निकाल लेंगे, तो 99 अपॉन 100 इसका बेस है इंटू 100, तो ये 99 आ जाएगा, 15 अपॉन बेस 25 इंटू 100 ये 60 आ जाएगा, कैलकुलेट करके 20 अपॉन 30 इंटू 100, और इसको कैलकुलेट करके जब हम करेंगे तो फिर पॉइंट में आएगा 66.67। तो ये आपने हर एक के रिलेटिव्स कैलकुलेट कर लिए, हर एक के रिलेटिव्स जो है कैलकुलेट कर लिए। इसके रिलेटिव्स का टोटल कर लेते हैं, इसके रिलेटिव्स का टोटल 100 100 100, ये 300 आ जाएगा। इसके रिलेटिव्स का टोटल करते हैं, इसके रिलेटिव्स का टोटल आएगा 262.33, और उसके रिलेटिव्स जो थर्ड ईयर का है उसके रिलेटिव का टोटल करते हैं 225.67, ये इसके रिलेटिव आ जाएंगे। अब हमारे को एवरेज प्राइस या इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो इंडेक्स नंबर्स डिवाइडेड बाय 3 का टोटल है, तो ये आ जाएगा 100, इसको 100 कर देंगे, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 87.44 आ जाएगा, और उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा 75.22। ये इसको कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि इसमें जो हमने बेस माना, वो बेस क्या माना, हमने बेस माना क्या चीज, फर्स्ट ईयर प्राइस एज ए बेस, फर्स्ट ईयर के जो प्राइस थे वो बेस माने। फर्स्ट ईयर का प्राइस भीट का 100 था, सब जगह हमने ये बेस लिया, 100 ही अपॉन आया होगा, यहां 25 ही अपॉन आया होगा, क्योंकि जिसको बेस लेते हैं वो अपॉन आता है, यहां 30 अपॉन आया होगा, क्योंकि करंट अपॉन बेस होता है, तो जिसको हमने बेस लिया वो अपॉन में आएगा। अब सेकंड इसमें जो कहा गया था कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या कहा गया था कैलकुलेट करने के लिए, वो कहा गया था एवरेज प्राइस एज ए बेस, एवरेज प्राइस एज ए बेस। तो सबसे पहले हम इसके एवरेज प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्राइस की जो है गणना की जाएगी, किस तरह से गणना की जाएगी वो देखिए। हंड्रेड 25 30, फिर दूसरा था आपका 99 20 and 25 फिर 99 15 and 20। अब एवरेज प्राइस,
एवरेज प्राइस एज ए बेस। तो सबसे पहले वीट का निकालेंगे, वीट का एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस 99 प्लस 99। 100 प्राइस है वीट का, फिर 99 प्राइस है, फिर वो 99 प्राइस है, तो तीन वर्षों का प्राइस दिया हुआ है। इसको डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 99.33। ये बेस हो जाएगा, बेस प्राइस, यानी कि अपॉन में जब भी वीट का कैलकुलेट करेंगे ये बेस रहेगा। क्लियर? बिल्कुल। ये वीट का हो गया। कॉटन, कॉटन का देखते हैं। कॉटन का रेट था 25, फिर था 20, फिर था 15 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 3, तो इसका बेस आ जाएगा 20। इसका जो बेस आएगा वो क्या आ जाएगा, 20। ये कॉटन का आ गया। और ऑयल, ऑयल का देखेंगे, जो ऑयल है 30, 25, 20 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 5, 3, 2, 5, 2, 7, 75 अपॉन 3, तो इसका जो बेस प्राइस हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। तो अब आपने तीनों का जो बेस प्राइस है वो कैलकुलेट कर दिया, वो निकाल लिया, ये बेस प्राइस आ गया। और आपको पता ही है कि करंट अपॉन बेस होता है। पहले इसका कैलकुलेट करेंगे तो 100 करंट और इसका बेस कितना है, 99.33 × 100। फिर इसका 25 अपॉन, इसका बेस आया था 20 × 100, फिर 30 अपॉन, इसका बेस आया था 25 × 100। ऐसे ही यहां कैलकुलेट कर लेंगे, 99.33 × 100, यहां पर 20 अपॉन, इसका बेस 20 है, इंटू 100, और यहां 25 और इसका जो बेस है वो भी 25 ही है, इंटू 100। जो बेस आया उसको बेस को अपॉन रखना है, यहां 99 बेस है 99.33 × 100, फिर 15 अपॉन, इसका बेस है 20 × 100, और फिर 20 और इसका बेस है 25 × 100। तो ये प्राइस रिलेटिव आ जाएंगे इसके इसी तरह से, जो कि थ्री इयर्स प्राइस पर बेस्ड थे, थ्री इयर प्राइस पर बेस्ड थे, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएंगे आपके। फिर इनका टोटल कर लेंगे और टोटल को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, और वो डिवाइड करने के बाद वो हमारा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर प्राइस एज ए बेस, जिसको बेस मानना है वो अपॉन रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि एवरेज प्राइस को कैलकुलेट कीजिए, पहले एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लिए, और एवरेज प्राइस कैलकुलेट करके जो आए वो बेस में आ गए, और फिर इनको हमने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर लिया। इसका जो रिलेटिव इसका टोटल आएगा डिवाइडेड बाय 3, दैट इज द इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर होगा। तो मैं समझता हूं कि आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये इंडेक्स नंबर जो है वो आपको कैलकुलेट करने हैं, निकालने हैं। तो मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे देता हूं जो कि आपको करना है, निकालना है, किस तरह से निकलेगा वो आपको देखना है। इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, और उसको जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ 3 इयर्स टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ 3 इयर्स एज ए बेस। यानी कि बेस जो आपको मानना है वो बेस मानना है
एवरेज प्राइस ऑफ द 3 इयर्स, 3 वर्षों का जो एवरेज प्राइस दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये इस तरह से दिया हुआ है। उसी तरह से कमोडिटी दी हुई है आपको, वीट, फिर ऑयल दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑयल है, और फिर कॉटन, वीट, ऑयल, कॉटन। अब यहां पर ये दे रखा है 10 kgs, 9 kgs, फिर 9 kgs, ऑयल दे रखा है 3 kgs, फिर देन 3, 2.5 kgs, अगेन है 4 kgs, देन 3.5 kgs, एंड देन अगेन 3 kgs। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और आपसे कहा गया है ये जो दे रखा है आपको रेट पर रुपीज, रेट पर रुपीज, यानी कि जो रेट दे रखे हैं ये पर रुपीज के बेस पर आपको दिए गए हैं। अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें उसमें प्राइस जो है वहां प्राइस दिए हुए थे, यहां प्राइस नहीं दिए हुए और आपसे प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने को कहा गया। क्या कहा गया? कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स, और प्राइस दिए हुए नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस। अगर लास्ट क्वेश्चन जो आपने आपको मैंने कराया तो उसमें आप देखें तो उसमें प्राइस दिए हुए थे, और प्राइस फॉर पर 100 kg या पर क्विंटल वहां प्राइस दिए हुए थे। नाउ कन्वर्ट दीज इनटू प्राइस पर क्विंटल। इस क्वेश्चन में ये पहला काम करना है आपको कि आपको इनके प्राइस कैलकुलेट करने हैं कि एक क्विंटल अगर ये खरीदा जाए, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो कॉटन हो, अगर एक क्विंटल अगर हम खरीदते हैं, 100 किलोग्राम यदि खरीदते हैं तो उसका प्राइस क्या होगा। तो पहले सबसे पहले आपको वो जो क्वेश्चन हमने कराया आपको उस टाइप का ये क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको निकालने पड़ेंगे रेट पर क्विंटल। रेट क्या करेंगे? पर क्विंटल, यानी कि पर 100 kg जो है आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे 1 रुपए में 10 किलोग्राम आता है, कितना आता है ये हम निकाल रहे हैं। इसी तरह से 1 रुपए में आता है 10 किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम कितने में आएगा? 100 किलोग्राम, क्योंकि 1 क्विंटल का मतलब 100 किलोग्राम है, तो ये इसका कैलकुलेट करके आ जाएगा ₹10, 10 रुपए में आ जाएगा। इसी तरह से 1 रुपए में आता है 9 किलो, तो 100 किलो कितने में आएगा? 100 किलो आ जाएगा 11 रुपए 11 पैसे में, 11.11। इसी तरह से यहां देखते हैं 1 रुपए में आता है 9 किलो, तो 100 किलोग्राम आ जाएगा फिर वही 11 रुपए 11 पैसे में। तो ये चीज वहां पर दी हुई थी और ये यहां पर हमने कन्वर्ट करी। ऐसे ही इसकी ऑयल की कर लेंगे, 1 रुपए में 3 किलो आता है तो 100 किलो कितने में आएगा? 100 किलो आ जाएगा 33 रुपए 33 पैसे में। फिर 1 रुपए में 3 किलो तो 100 किलोग्राम फिर वही 33 रुपए 33 पैसे में आ जाएगा। 1 रुपए में 2.5 किलो तो 100 किलो आ जाएगा 40 रुपए। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे यहां पर देखें 1 रुपए में 4 किलो आता है तो 100 किलो आ जाएगा 25 रुपए में। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 4 किलोग्राम आता है तो ये 25 रुपए में आ जाएगा, क्लियर। फिर 1 रुपए में आता है 3.5 किलो तो 100 किलोग्राम कितने में आ जाएगा? इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 100 / 3.5 = 28.57, ये इसमें आ जाएगा। और फिर दे रखा है 1 रुपए में
तीन किलो, तो 100 किलो जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 33.33। अब ये आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है, क्वेश्चन आपने बना लिया है। तो सबसे पहले फिर वही जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले आप एवरेज प्राइस निकालेंगे किस किस के, वीट के, वीट, फिर ऑयल के और फिर कॉटन के, इनके एवरेज प्राइस निकालेंगे और एवरेज प्राइस को ही आपने बेस लेना है, एवरेज प्राइस को ही बेस लेना है। जैसे इसका एवरेज आ जाएगा 10 प्लस 11.11 प्लस 11.11 डिवाइडेड बाय 3, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो एवरेज प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 10.73, इसको बेस मानना है। ऐसे ऑयल का ऐसे ही कॉटन का जो है एवरेज प्राइस निकालेंगे और आप इसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल सेम उसी तरह का है, लेकिन इसमें और उस वाले क्वेश्चन में केवल एक मामूली सा अंतर है। एक तो आपसे प्राइस इंडेक्स पूछा है और दे रखी है क्वांटिटी, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी का रेट पर 100 केजी यानी कि एक क्विंटल का रेट हमने हर एक कमोडिटी का कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद पे हम अपना एवरेज प्राइस को बेस मानते हुए इसका इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। मैं एक क्वेश्चन और आपको अभी दे रहा हूं, उसको जो है आपको और करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, तीन साल के जो है हमारे को प्राइस दिए हुए हैं, वीट का दिया हुआ है, वीट, कॉटन, ऑयल और प्राइस दिए हुए हैं प्राइस पर क्विंटल। एक क्विंटल के प्राइस ये गिवन है, यानी कि इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्राइस पर क्विंटल और दिए हुए हैं रुपीज में, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। वेट के दिए हुए हैं वेट 100 90 99, देन 25 20 एंड देन 15। इसके बाद ऑयल के दिए हुए हैं 30 25 एंड 20। ये क्वेश्चन आपको गिवन है और आपसे कहा गया है कैलकुलेट द फर्स्ट ईयर प्राइस एज बेस, सेकंड टेकिंग एवरेज प्राइस एज ए बेस, टेकिंग एवरेज प्राइस एज ए बेस फॉर 3 इयर्स। यानी कि दो तरह से कैलकुलेट करना है, एक फर्स्ट ईयर के प्राइस को बेस मान करके और दूसरा कैलकुलेट करना है आपने एवरेज प्राइस फॉर द 3 इयर्स, 3 इयर्स के एवरेज प्राइस को बेस मान करके। तो ये क्वेश्चन इंडेक्स नंबर में आपने करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम और आगे की बात इसमें बताएंगे कि किस तरह से और आगे इंडेक्स नंबर को इस चैप्टर में आगे बढ़ा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। आप अपने अपने घरों में रह करके इस असाइनमेंट को कीजिएगा तत्परता के साथ में और अपना ख्याल रखिएगा। Take care of yourself.